हेलो स्टूडेंट्स, योर मैथ्स एंड साइंस टीचर नैन्सी हेयर। सो होप सो आप सब ठीक होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सिलेबस चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स फॉर क्लास 8। दिस इज आवर लेक्चर 1। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर, बिकॉज बेसिक्स के बिना एक चैप्टर को अटैम्प्ट करना पॉसिबल नहीं है। सो टुडे वी विल डिस्कस बेसिक्स एंड नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन आंसर्स अटैम्प्ट करेंगे। दिस इज लेक्चर 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्टिंग विद द चैप्टर नेम रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स होते क्या हैं? चैप्टर का नाम ही रैशनल नंबर है। जब तक हमें पता नहीं होगा कि रैशनल नंबर क्या है, तो हम उसे अटैम्प्ट नहीं कर सकते हैं। हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1, 2, 3 या 0, 1, 2, 3। तो ये क्या होते हैं? पॉजिटिवली ही आगे बढ़ते जाते हैं, कि एक पॉजिटिव टर्म्स ही होती हैं। नेगेटिव में होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स नहीं जाते हैं। बट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच आर ऑफ द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू की जगह कुछ भी रह सकते हैं, ए बाई बी, सी बाई डी, ए बाई एफ। सो एक जनरल नोटेशन है डिनोट करने के लिए कि रैशनल नंबर्स किस फॉर्म के होते हैं। पी अपॉन क्यू यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जैसे कि 1/2, 2/3, 5/6, कुछ भी ले सकते हैं हम। ये सब क्या एग्जाम्पल्स हैं? रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स। सो एग्जाम्पल हमने लिया है 2/3, दैट इज 2 इज न्यूमरेटर, 3 इज डिनोमिनेटर। नेक्स्ट इज -5/6, 5 इज न्यूमरेटर, 6 इज डिनोमिनेटर। और जो रैशनल नंबर्स हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो हमने एक एग्जांपल नेगेटिव का ले लिया। नेक्स्ट इज 3। कोई ये सोचते हैं कि 3 जो है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं है, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। बट ऐसा नहीं है। अगर हम 3 के नीचे 1 लिख देते हैं, तो 3 क्या होगा? न्यूमरेटर। 1 क्या होगा? डिनोमिनेटर। तो ये एक रैशनल नंबर होगा। ठीक, 0 भी क्या है? हमारा एक रैशनल नंबर है। इसकी रैशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इन प्रॉपर्टीज़ को अगर हमने अच्छे से समझ लिया, तो हम चैप्टर को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? कि अगर हम कोई 2 या 3 या उससे ज़्यादा रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, या सब्ट्रैक्ट करते हैं, या मल्टीप्लाई करते हैं, या डिवाइड करते हैं, तो उन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर भी किस में आना चाहिए? रैशनल नंबर्स में। सो हम इस प्रॉपर्टी को चारों पे अप्लाई करेंगे, एडिशन पे भी, सब्ट्रैक्शन पे भी, मल्टीप्लिकेशन पे भी एंड डिवीजन पे भी, और हम चेक करेंगे क्या ये एप्लीकेबल है या नहीं। सो फर्स्ट इज़ एडिशन प्रॉपर्टी। हमने एक रैशनल नंबर लिया ए अपॉन बी, दूसरा क्या लिया? सी अपॉन डी। दोनों को हमने क्या कर दिया? ऐड। जब हम इसे ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी एक रैशनल नंबर ही आएगा। एग्जांपल लेते हैं, ए बाई बी की जगह हमने लिया 2/3, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, 1/2, 4/3, एनीथिंग। सो हमने एक एग्जांपल उठाया है, ए बाई बी की जगह लिया हमने 2/3, प्लस सी अपॉन डी की जगह लिया 4/3। जब हम इसे ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 6/3। 6/3 भी किस फॉर्म में है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। तो ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन पर एप्लीकेबल है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर हम एडिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में रैशनल नंबर लिया ए अपॉन बी, सब्ट्रैक्शन है तो माइनस साइन डाला, सी अपॉन डी। जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद भी क्या आया? एक रैशनल नंबर। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन पर भी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट वन इज़ मल्टीप्लिकेशन। रैशनल नंबर लिया, मल्टीप्लाई का साइन डाला, नेक्स्ट वन इज़ सी अपॉन डी। तो जब हम एग्जांपल हमने आगे लिए हुए हैं, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो आंसर क्या आएगा? 2/6। 2/6 भी क्या है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। तो ये भी क्या हो गया? हमारा एक रैशनल नंबर। नेक्स्ट वन इज़ डिवीजन। ए बाई बी एक रैशनल नंबर लिया, डिवाइड किया, सी बाई डी दूसरा रैशनल नंबर लिया, तो आंसर किस में आएगा? एक रैशनल नंबर में। आप इसकी जगह इन एग्जांपल्स के अलावा और भी एग्जांपल्स लेके ट्राई कर सकते हैं, आपका आंसर एक रैशनल नंबर ही आएगा। तो एग्जांपल के लिए 2/3 डिवाइड बाय 1/3। डिवीजन करते हैं जब हम फ्रैक्शनल नंबर्स की, तो डिवाइड की जगह क्या आ जाता है? मल्टीप्लाई। हमें पता है, हम 7th में भी ये चीज़ पढ़ कर आए हैं। 1/3 जो सेकंड टर्म होती है वो क्या हो जाती है? रेसिप्रोकल हो जाती है। ये चीज़ सिर्फ डिवीज़न में ही होती है, कि फर्स्ट टर्म एज इट इज़ डिवाइड का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। एंड सेकंड टर्म क्या हो जाएगी? हमारी
रेसिप्रोकल। तो जब रेसिप्रोकल होगा हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, 6/3। 6/3 भी क्या है, पी बाय क्यू की फॉर्म में है, तो ये भी क्या है हमारा, एक रैशनल नंबर है। सो जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन पर भी एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन पर भी, मल्टीप्लिकेशन पर भी एंड डिवीजन पर भी। अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को समझने से पहले हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास क्या है, 2 + 3, आंसर क्या आएगा, 5। अगर मैं 3 को पहले लिख लूँ, 3 + 2 को बाद में लिख लूँ, तो आंसर फिर भी क्या आएगा, 5। मीन्स कि अगर मैं फर्स्ट टर्म को आगे लिख दूँ, सेकेंड टर्म को पीछे लिख दूँ, तो हमारा आंसर फिर भी क्या आ रहा है, सेम। तो मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ, 2 + 3 = 3 + 2। जो ये प्रॉपर्टी है इसी को ही मैं क्या बोलती हूँ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो जब हम रैशनल नंबर्स की बात करेंगे, तो सपोज मैंने फर्स्ट रैशनल नंबर क्या लिया, a/b, प्लस किया c/d। मैंने क्या करा था उस प्रॉपर्टी में, इस टर्म को पहले लिख दिया था, फर्स्ट वाली टर्म को बाद में लिख दिया था, तो इक्वल में करके मैंने क्या लिख दिया, c/d प्लस a/b। तो मैं इसे शो क्या करना चाहती हूँ कि अगर मैं फर्स्ट टर्म को आगे लिख रही हूँ और सेकेंड टर्म को पीछे लिख रही हूँ, तो भी आंसर क्या आ रहा है मेरा, सेम आ रहा है। सो इसे भी हम अप्लाई करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में। क्या करना है, हमने सिर्फ साइन चेंज करने हैं। प्लस की जगह मैं क्या लिखूँगी एडिशन में, प्लस, इधर भी क्या लिखूँगी, प्लस। तो एग्जांपल्स हमने क्या लिए, a/b की जगह 2/3, c/d इज 1/3। तो मैंने क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है, 1/3 मैंने क्या लिख दिया पहले, 2/3 को कहाँ लिख दिया, बाद में। तो आंसर फिर भी मेरे पास क्या आ रहा है, 3/3। सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पर एप्लीकेबल है। नेक्स्ट वन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, माइनस साइन, प्लस की जगह मैं क्या लिख दूंगी, माइनस, इधर भी क्या लिख दूंगी, माइनस। करना क्या है, वही कि फर्स्ट टर्म को बाद में लिखना है और सेकंड टर्म को पहले लिख देना है। एग्जांपल जब हम लेते हैं क्या होगा, a/b इज 2/3, c/d 1/3, इक्वल, नॉट इक्वल लिखा है यहाँ पर क्योंकि एप्लीकेबल नहीं होगी, हम देखते हैं। तो 1/3 को मैंने क्या लिख देना है पहले, 2/3 को कहाँ लिख देना है, बाद में। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी, 2/3 - 1/3 = 1/3, 1/3 - 2/3 = -1/3। माइनस क्यों आया, हमने सेवन्थ में भी पढ़ा है कि प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, और साइन किसका आता है, बड़े वाले का, तो बड़ा यहाँ पर क्या है, 2, तो माइनस का साइन आ गया। सो हियर 1/3 इज़ नॉट इक्वल्स टू -1/3, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पर एप्लीकेबल नहीं है। मल्टीप्लीकेशन में भी हम करके देखते हैं, ये एग्जाम्पल्स आप खुद लेंगे एंड घर पे ट्राई करेंगे कि क्या करना है। मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई का साइन, टर्म्स क्या कर देनी है, उल्टी कर देनी है। तो जब आप करके देखेंगे तो आंसर क्या आएगा, एक सेम आएगा और वो एप्लीकेबल होगा। डिवीजन जब हम करके देखेंगे, जब हम टर्म्स को आगे पीछे करेंगे, तो आंसर सेम नहीं आएगा, वो उल्टा आंसर आएगा। जो आंसर यहाँ पर आया था सेकेंड टर्म में, वो उससे रेसिप्रोकल में आएगा, तो यहाँ पर वो नॉट एप्लीकेबल होगी। फाइन, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, से हम एग्जांपल से लेते हैं। यहाँ पर सपोज़ मैंने लिया 1 + 2 + 3, अगर मैंने ब्रैकेट यहाँ पर डाली है, तो आंसर क्या आएगा, 1 + 5 = 6। सिमिलरली मैंने यहाँ लिया 1 + 2 + 3, बट अब मैंने ब्रैकेट कहाँ डाल दिया, हियर, तो 2 + 1 = 3, 3 + 3 = 6, आंसर क्या आया, सेम। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर चाहे मैं इसे लास्ट में ब्रैकेट डालूं, चाहे फर्स्ट टू टर्म्स को पहले सॉल्व करूं, आंसर क्या आएगा हमारा, सेम। तो हम इसे कैसे लिखते हैं, a + b + c/d + e/f, क्योंकि रेशनल नंबर्स की फॉर्म में लेना है। तो पहले सेकंड टू टर्म्स पे ब्रैकेट डाल दो, नेक्स्ट में फर्स्ट टू टर्म्स पे डालेंगे, तो आंसर फिर भी क्या आएगा हमारा, सेम आएगा। जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है एडिशन पर भी एप्लीकेबल है एंड मल्टीप्लीकेशन पर भी एप्लीकेबल होगी, आप सॉल्व करके देख लेना, बट ये सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन पर एप्लीकेबल नहीं होगी। नेक्स्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मेरे पास यहाँ टर्म है 2 × 3 + 5, तो इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, फर्स्ट टर्म पहले यहाँ मल्टीप्लाई होगी, नेक्स्ट यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आएगा, 2 × 3 एंड नेक्स्ट 2 × 5। तो मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ, साइन किसका आता है यहाँ, जो यहाँ पर साइन प्रेजेंट होता है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस आएगा। फाइन, तो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को कैसे लिखूँगी, a/b c/d + e/f। तो मैं क्या करूँगी, इससे पहले इधर मल्टीप्लाई करूँगी, नेक्स्ट इसे इधर मल्टीप्लाई करूँगी, तो कैसे लिखेंगे, फर्स्टली a/b + c/d +
ए बाई बी मल्टीप्लाई ए अपॉन एफ। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसे लिख दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल है। होप सो आपको चारों प्रॉपर्टीज समझ आई होंगी। नेक्स्ट वन इज़ एडिटिव इनवर्स। ये सब हमारा फर्स्ट चैप्टर का बेसिक्स है, तो एक साथ ही हो जाए तो सही है। एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इट इज़ सेम नंबर बट विद अपोजिट साइन। हमें क्या करना है, जिस भी डिजिट का एडिटिव इनवर्स निकालना है उस सेम नंबर को लिखो, बट साइन को हम क्या कर देंगे, चेंज। सपोज़ मेरे पास एक टर्म है 5, मेरे पास एक नंबर है, और मुझे क्या निकालना है इसका एडिटिव इनवर्स, तो क्या होगा इसका आंसर, सेम नंबर लिखो, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। फाइन, तो 5 और माइनस 5 इसका एडिटिव इनवर्स है। ये जो है एक प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं कि अगर सेम डिजिट लिखो, एडिटिव है तो बीच में प्लस का साइन डालो और इसका एडिटिव इनवर्स लिखो, तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, 0। आई रिपीट कि फर्स्टली ओरिजिनल नंबर लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स है तो प्लस लिखेंगे, और सेकंड टाइम क्या लिखेंगे हम, इसका एडिटिव इनवर्स, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 0। नेक्स्ट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन नंबर। जैसे कि एडिटिव इनवर्स में सेम नंबर विद अपोजिट साइन आता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, सेम नंबर विद रेसिप्रोकल। फाइन, अगर हमारे पास नंबर है 3/5, मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 5/3। फाइन, सो अगर p बाई q हमारा एक नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, q/p। जैसे एडिशन था तो मैं बीच में प्लस का साइन डालती थी और साइड में ये दो नंबर्स लिखती थी, मल्टीप्लिकेटिव है तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा और साइड में क्या लिखेंगे, सेम नंबर्स, तो आंसर में क्या आना चाहिए हमारा, 1। सो हमने आज चार प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, क्लोजर, नेक्स्ट इज़ कॉम्यूटेटिव, एंड नेक्स्ट इज़ एसोसिएटिव, एंड देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, आप सबको अपनी फेयर नोटबुक मेंटेन करनी है और उसके अंदर एज इट इज़ ये सारे नोट्स नोट डाउन करने हैं। होप सो आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।